दिग्रस शहरातील लोकप्रिय व्यक्तिमत्व श्री विनोद उर्फ बापू दुधे यांना वाढदिवसाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा. शुभेच्छुक बाबू भाऊ दुधे मित्रमंडल दिग्रस. सोमवार रात को ही बेमौसम बारिश की वजह से शहर के पुराने पुल की दुरावस्था खुल के सामने आ गई है, जिस पर लोगों ने रोष व्यक्त किया है. बेसियन से हुई बातचीत में परिसर की जनता ने खुलकर अपनी राय रखते हुए पुल के मरम्मत की मांग की है. बीते सप्ताह से दिग्रस तहसील में रुक रुक कर जारी वर्षा ने सोमवार की रात रौद्र रूप धारण कर लिया. नतीजतन शहर के गली मोहल्ले चौक चौराहे बारिश से सराबोर हो चुके हैं. ऐसे में शहर के आर्नी रोड पर स्थित पुल की दयनीय अवस्था भी खुल के सामने आ गई है, जिस पर पुल से आवाजाही करने वाले राहगीरों, ग्रामीणों और वाहन चालकों सहित परिसर के दुकानदारों ने रोष व्यक्त किया है. या पुलाला आतापर्यंत प्रशासनाने कोणतेही लक्ष दिलेलं नाही. जेव्हा पण पाऊस पावसाळा येतो तेव्हा अशी समस्या येते की पूर्ण पुलामध्ये पुलावर पाणी भरलं जाते आणि लोकांना जायला रस्ता नसतो. पायदळ असताना कपडे खराब होणं, परत आणि गाडी असताना पाईप देताना त्यांचा पाणी जाऊन एक दोन वेळा लोक इथं पडलेले आहेत, तरी प्रशासन या गोष्टीवरती दखल घेत नाही आहे. दूसरी समस्या तो है सभी नागरिकों को है, और कैसा है खेड़े पाड़े के लोग बाज़ार को आते हैं और बहुत तकलीफ से आते हैं. यहाँ पर बहुत बोले तो उसको गार्ड नहीं है, तो खेड़े पाड़े के लोगों को सब बाज़ार में आने वाले लोगों को मेन गेट है ये, इधर से आर्नी रोड से जो आता है रास्ता, ये मेन रास्ता है, तो तकलीफ है लोगों को, तो ये काम हो जाने. गौरतलब है कि सोमवार रात हुई बारिश की वजह से खड्डों से भरा पुल पानी से लबालब हो गया, जिस वजह से मंगलवार को इस लोग जान जोखिम में डालकर पुल से गुजरते नजर आए. समस्या अब नहीं कि ये मेन पुल होने के बावजूद गुजरी चौक का सबसे मेन पुल यही है, ना ही ये पुल आज तक बना. जब भी खड्डे पड़े पानी की इतनी तकलीफ है, ये बारिश में भी उतनी तकलीफ होती, जबकि यहाँ से बूढ़े आना जाना, बच्चे आने जाना, स्कूल की सारी पूरी स्कूल का मेन रास्ता ये होने के बावजूद भी यहाँ कोई साइड से सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है. इसके नए पुल को कोई गार्ड है कि भाई कोई गिर ना बच अड़कन में बच जाए, तो हिसाब से ये पुल का जल्द से जल्द काम की बहुत जल्द करने की जरूरत है अपने को, लेकिन यहाँ का कोई विकास नहीं कर रहा है ये पुल. कुल मिलाकर इस पुल की समस्या कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस पुल की मरम्मत के लिए प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही, ये दुख की बात है. ये पुल वैसे तो काफी पुराना है और आप देख सकते हैं कि बारिश होने से ये पुल की खस्ता हालत खुलकर सामने आ गई है. जनता ने इसके बारे में कई बार शिकायतें भी दर्ज की है, लेकिन अफसोस कि यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के प्रशासन के कान पे भी जू भी नहीं रेंग रही है. दिग्रस से बीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान. दिग्रस शहरातील लोकप्रिय व्यक्तिमत्व श्री विनोद उर्फ बापू दुधे यांना वाढदिवसाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा. शुभेच्छुक बाबू भाऊ दुधे मित्रमंडल दिग्रस.